आज हम डेली रूटीन के लिए और टिफिन में लेके जा सके ऐसी बहुत ही टेस्टी और मजेदार टिंडली और आलू की सूखी सब्जी बनाएंगे। तो बनाना शुरू करते हैं टिंडली और आलू की सब्जी। 250 ग्राम टिंडली ली है और टिंडली इस तरह से छोटी साइज की और कौली आए ऐसी लेना है। बड़ी साइज की टिंडली लेंगे तो इसमें से बीज बहुत ज्यादा निकलेंगे। और 3 मीडियम साइज का आलू लिया है। टिंडली को चॉप करेंगे, दोनों साइड का पोर्शन थोड़ा थोड़ा निकाल लेंगे इस तरह से दो पार्ट करके, फिर इसका दो पीस इस तरह से काट लेना है। छोटी टिंडली है इसके लिए हम इसकी 4 स्लाइस करेंगे इस तरह से। टिंडली को चॉप कर दिया है। मैं आपको पहले बताना भूल गई कि टिंडली को हमें पहले अच्छे से 2 बार पानी से धो लेना है, इसके बाद ही इसे चॉप करना है। टिंडली को चॉप करने के बाद इसे पानी से धोना नहीं है। आलू का छिलका निकाल दिया है, इसकी भी हम स्लाइस कर लेंगे इस तरह से। पहले 2 पीस करेंगे इस तरह से, स्लाइस करेंगे मीडियम पतली स्लाइस करेंगे। आलू की स्लाइस कर दी है और इस तरह से हल्के हाथ से इसे फसल के धोएंगे ताकि आलू का स्टार्च निकल जाएगा। ये पानी निकाल देंगे। इसी तरह से 2 बार आलू की चिप्स को धो लेंगे। इसमें पानी डाल के रखेंगे, इसी तरह से इसे पानी में रखना है। कढ़ाई में 3 टेबलस्पून तेल डालेंगे, आधी टीस्पून राई डालेंगे, राई को क्रैकल होने देंगे, 1 पिंच हींग, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, टिंडली डाल देंगे, अच्छे से चला लेंगे। धीमी आंच पे 3 से 4 मिनट कुक करेंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे 4 मिनट के लिए कुक किया है और बीच में एक बार चला लिया था। आलू डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। ढक्कन लगा के धीमी आंच पे 4 से 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। इसे धीमी आंच पे 5 मिनट के लिए कुक किया है और बीच में 2 बार चला लिया था। सब्जी में हम पानी नहीं डालेंगे, इसे ऐसे ही कुक करेंगे। तो एकदम धीमी आंच पे कुक करना है और बीच बीच में इसे चलाते रहना है। 1 टीस्पून लहसुन की पेस्ट डालेंगे, आधी टीस्पून अदरक की पेस्ट डालेंगे, 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक डालेंगे, या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अच्छे से चला लेंगे। मसाला अच्छे से सब्जी के ऊपर लग जाना चाहिए। ढक्कन लगा के धीमी आंच पे कुक करेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद सब्जी को चला लेना है। हम पानी के बगैर इसे कुक कर रहे हैं तो तले में ये लग सकती है। सब्जी को 10 से 11 मिनट धीमी आंच पे कुक किया है और बीच बीच में इसे चला लिया है। आलू अच्छे से कुक हो गए हैं और टिंडली भी अच्छे से कुक हो गई है। गैस ऑफ कर देंगे, ऊपर बारीक कटी हुई धनिया पत्ती डालेंगे। टिंडली और आलू की सूखी सब्जी रेडी है। आप इसे रोटी पराठा या दाल राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। आप इसे टिफिन में भी लेके जा सकते हैं। टिंडली और आलू की सूखी सब्जी बनके रेडी हो गई है। ये बहुत ही टेस्टी बनी है, आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। तो मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ।